सास और बहू की रियल स्टोरी आज हम सभी परिवार को अच्छी तरह से जीवन जीने की सोच देने का वीडियो है। सास और बहू, सास हमेशा माँ की तरह रहना चाहिए और बहू बेटी की तरह रहना चाहिए। बेटी बनकर अपने सास ससुर जैसे माता पिता की सेवा करनी, वैसी सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, तभी सास ससुर का दिल अच्छी तरह से रहने वाला है। और सास ससुर अपने बहू को बेटी की तरह समझना चाहिए और बहू अपने सास ससुर की अच्छी सेवा करनी ही चाहिए और लड़का अपने माता पिता की सेवा भी करनी है और दोस्तों की तरह रहना चाहिए, क्योंकि जो भी सुख दुख कुछ भी दर्द हो माता पिता को बोलनी चाहिए। माता पिता के पास में बात शेयर करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे होने पर जॉइंट परिवार जिंदगी भर रह सकते हैं और अपने परिवार हमेशा खुशी से जीता है, खुशी से रहता है और ज़िंदगी में हमेशा आगे रहते हैं। और हम हमेशा बोलते हैं, प्रेम से जीना सीखो, प्रेम से रहना सीखो, प्रेम से ज़िंदगी में सबका साथ, सबका विकास, सबकी सहायता करनी सीखो, किसी का भी दिल मत दुखाना सीखो, जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि जैसा आप कार्य करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है, जैसा ही आप दूसरों के साथ में आचार विचार रखोगे वैसा ही तुम्हारे पीछे होने वाला है। और हम हमेशा बोलते हैं, अच्छी तरह से जीना सीखो, अच्छी तरह से रहना सीखो, भाईचारा से रहना सीखो और अपने अपने धर्मों का पालन करना सीखो, हम हमेशा बोलते हैं। और हम हमेशा जोश के अंदर वीडियो बनाकर शेयर करते हैं और हम हमेशा खुशी से जीते हैं और सबको बोलते हैं, प्रेम से रहना, प्रेम से खाना, प्रेम से जीना और सबके साथ में अच्छा आचार विचार रखना है, कभी भी कमेंट में किसी के साथ में दुरुपयोग नहीं करना है। बट आजकल तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी आप मतलबी कमेंट के अंदर इंसान जीता है, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल ये भारत का नहीं है, ये विदेशों का है। भारत का तो संस्कार है, जो इंसान संस्कार के अंदर जिएगा तो उसका जिंदगी में हमेशा खुशी से रहेगा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगा और वो इंसान हमेशा जिंदगी में सफल रहेगा। और जब इंसान हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तब वो इंसान हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। और एक इंसान का इतना धैर्य है जो चाहे एक या दो या तीन कारोबार भी कर सकते हैं। जैसा इंसान कार्य करेंगे वैसा ही उसका नेचर बन जाएगा और वो इंसान हमेशा के लिए आगे बढ़ते रहेगा। और हम हमेशा मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए अच्छे से अच्छे संस्कार के अंदर वीडियो बनाकर शेयर कर देते हैं, क्योंकि परिवार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और हम हमेशा बोलते हैं, और कृपया करके रूपाराम गौलाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस बार 15 अगस्त का हर घर में तिरंगा झंडा रहे अपने घरों के ऊपर, सबसे ऊपर। और हमेशा आज से दिल के अंदर लिख लो, सभी भारतवासी हैं, दिल के अंदर तिरंगा रखना है, तिरंगे के अंदर झंडा हर घर में लहराना है और राष्ट्रगान बाजते समय हमेशा खड़े होकर रहना है और हमेशा सच्ची भावना रखना है और सबका साथ
सबका विकास, हमेशा प्रेम प्यार से जीना सीखो। नफरत एक के साथ में फैलाओगे तो तुम्हारे पीछे हजार इंसान फैलाने वाले हैं, और यदि आप आचार विचार दूसरों के साथ में अच्छे रखोगे तो तुम्हारे भी पीछे हजारों आदमी तुम्हारे लिए आचार विचार अच्छे ही रखने वाले हैं। और हम हमेशा बोलते हैं, जिंदगी में जीना है जो इंसान अपने पैसों के घमंड में घर और दुकान तक ही रहता है, और ये परिवार सिर्फ और सिर्फ अपन की स्वार्थ की स्वभाव में पैसों के पीछे परिवार क्या क्या कर देते हैं, और पैसों के पीछे परिवार क्या क्या बन जाते हैं, और ये परिवार सिर्फ शमशान तक ही चलने वाले हैं साथ, और कर्म धर्म और तुम्हारा कैसा कर्म क्या हुआ है वो हमेशा कर्म धर्म हमेशा साथ में ही रहेगा। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, संस्कार के अंदर जीना सीखो। ओम नमः शिवाय, हमेशा जय श्री राम का नारा दिल के अंदर रखना सीखो। अपने अपने धर्मों का पालन करना सीखो। ओम नमः शिवाय, जय बोलो बाबा राम साबिर की जय, हिंदू धर्म देवी देवताओं की जय। कृपया करके गायों को सुबह के समय हमेशा गाय को रोटी देना सीखो, और कुत्ते को बिस्किट देना सीखो, गायों को चारा खिलाना सीखो। और गायों की अभी महामारी चल रही है, इसलिए कृपया करके गायों की सेवा कीजिए तो आपको मेवा मिलेगी। और यदि आपने गायों को कुछ भी सहायता नहीं करोगे तो ज़िंदगी में ऐसे ही भटकोगे, और तुम्हारा भी साथ कौन देने वाला है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, हम सबसे पहले गाय को बचाना है और भारत का नाम रोशन करना है। कृपया करके गायों को अपने घर के अंदर खाना बनाते समय सबसे पहले गाय का एक रोटी के ऊपर घी लगाकर रोजाना दीजिए, तभी आपके परिवार में सुख और शांति रह सकती है। और कुत्तों को बिस्किट खिलाइए और लड्डू खिलाइए, और कौवा कौवा को कागला और कबूतर मोर इसको पशु पक्षियों को गेहूँ चावल बाजरी जवार ये सभी डाल सकते हैं। और घर के ऊपर हमेशा पानी का एक बर्तन जरूर रखें। हमने तो तीन तीन चार चार जीव जंतुओं को पानी पीने के लिए तीन चार बर्तन रखा है। जो भी जीव जंतु आते हैं उसको पानी पीना है वो पी करके चले जाते हैं। कभी भी अच्छी सोच के अंदर जीना सीखो, और परिवार में अच्छी सोच के साथ में अच्छी संस्कार के साथ में प्रेम प्यार से जीना सीखो, प्रेम से साथ में रहना सीखो। हमेशा जॉइंट परिवार में रहेंगे तो आपका दिनचर्या अच्छा रहेगा, आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। और यदि सिंगल फैमिली में चले जाओगे तो ज़िंदगी भर पछताओगे और बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि जैसी करनी है वैसा ही फल मिलने वाला है। क्योंकि एक घर के अंदर रहोगे तो सभी चीज़ों का भंडार भरपूर रहेगा और खर्चा बहुत कम होएगा। और जब इंसान अलग अलग चले जाएगा तो फैशन के अंदर पैसों से बर्बाद हो जाएगा, और नहीं तो बचेगा खाना, नहीं बचेगा पानी, और ज़िंदगी भर ऐसे ही पछताना ही पड़ेगा। और इसलिए हम हमेशा एडवांस वीडियो बनाकर शेयर कर देते हैं। आपको ये कैसा वीडियो लगा है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि 1000 ये वीडियो अवेलेबल है। आपकी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा हर प्रकार का वीडियो बनाकर शेयर किया है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए ज़िंदगी में जीने के लिए अच्छी सोच रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के कहने पर कभी भी नहीं चलना चाहिए, सबकी सुनना करना अपने मन की, यही हमारी सोच है। और हम हमेशा जो उसके अंदर वीडियो बनाकर शेयर करते हैं। इंडियन आर्मी पुलिस डिपार्टमेंट को मैं मेरे दिल से सैल्यूट करता हूँ, और हमेशा खुशी से रहना चाहता हूँ।